सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर साधा निशाना। शाहजहांपुर में सपा के प्रशिक्षण शिविर को संबोधित करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि सभी कार्यकर्ता पूरी ताकत से लोकसभा चुनाव की तैयारी में लग जाएं। उन्होंने कहा कि 2024 में भाजपा यदि फिर से सत्ता में आ गई तो वोट देने का अधिकार भी छीन लेगी। पूर्व MLC जयेश प्रसाद की कोठी में आयोजित प्रशिक्षण शिविर में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने संबोधित किया। अखिलेश यादव ने कहा कि चुनौतियों का समय है, संविधान भी खतरे में है, लोकसभा चुनाव को लेकर अभी से पूरी तैयारी कर लें, इसमें चूकना नहीं है, किसी भी हालत में भाजपा को सत्ता में न आने देना है। सपा मुखिया ने कहा कि कटरा विधानसभा क्षेत्र से सपा प्रत्याशी राजेश यादव और जलालाबाद सीट से प्रत्याशी नीरज मौर्य को गलत तरीके से हटा दिया गया। अगर चुनाव के दौरान हमारे साथी दूसरे दलों में न गए होते तो ऐसी स्थिति न आती। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तंज कसते हुए कहा कि जिले में 3-3 मंत्री आते हैं, 9 बार के विधायक और वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना के शहर की हालत हमने देखी है। पूरे शहर की सड़कें खुदी पड़ी हैं, गलियों में कूड़े लगे हुए हैं। अखिलेश यादव ने कहा जिस मंत्री के हाथों में खजाने की चाबी है उनके शहर का यह हाल है। लखनऊ से शाहजहांपुर आते समय रास्ते में हर डिवाइडर पर छुट्टा जानवर है। संबोधन से पूर्व अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से हाथ मिलाकर उनका हालचाल पूछा। इस दौरान कार्यकर्ताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि सभी लोग मिलकर पार्टी को मजबूती प्रदान करें।